ये देखो पता नहीं क्यों नॉर्मल लोग नहीं कर रहे हैं। आज है ट्यूसडे, कई लोग नहीं पहनते। मैं कुछ भूल ना जाऊं शायद, क्या आप बोलेंगे? यू नो इसका इम्पोर्टेंस। जय श्री राम। हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। अब मैं काफी दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। आप लोगों ने जो बीच में ब्लॉग देखे भी होंगे ना, उसमें गैप्स था, काफी गैप्स था। अभी भी मेरे पास दो दिवाली के ब्लॉग्स पेंडिंग है। पोस्ट दिवाली स्टोरीज के नाम से मैंने एक ब्लॉग डाला है पहले ही, दो और पेंडिंग है। दिवाली के तीन दिन के मैंने ब्लॉग किए थे, बस पता नहीं क्यों रह जा रहा है, अब वो भी डालूंगा। लेकिन आज है ट्यूसडे, मैं जाने वाला था अभी मंदिर। मैंने वैसे ही सोचा कि मैं कुर्ता पहन लेता हूँ, कुर्ता पजामा प्रॉपर पहन लेता हूँ। और मुझे आइडिया आया कि मैंने बहुत दिन से ब्लॉग भी नहीं किया, आज ब्लॉग भी कर लेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग चलेंगे मंदिर, फ्रेश एंड ऑल में हो चुका हूँ। खाना अभी तक मैंने नहीं खाया, पहले हम लोग मंदिर जाएंगे फिर आके खाना खाएंगे, ठीक है? ये एक आइडिया मेरे को लास्ट मोमेंट पे आया था, तो मैंने सोचा मैं कि इसको आज वेयर करते हैं। जब भी मंदिर जाएंगे ना, तो शाम को भी चलूंगा मैं, तब भी वेयर करेंगे इसको। ये देखो, यही मैंने सोचा था करने का, ठीक लग रहा है। आप लोगों के नाम से भी प्रसाद मैं ही खा लेता हूँ। जय श्री राम। आइडियली कई चीजें ऐसी होती हैं जो लोग करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज नॉर्मल लोग नहीं कर रहे तो हम भी क्यों करें। थोड़ा अलग दिखता है ना, कई लोगों को अलग दिखना पसंद नहीं होता। अब जैसे मेरा मन था ये पहनने का, तो मैंने पहन लिया। कई लोग नहीं पहनते जस्ट बिकॉज लेकिन यार क्या बोलेंगे, ये वो इधर उधर देखे कोई, तो मेरे को नहीं था। मेरा मन था कि मैं जो पहनना है आज, और ये भी मेरे माइंड में आ गया था कि मैं यार ये पहनूंगा, मैं पहन लेते हैं। मंदिर गया, सारे वही भाई तेरे को कौन सी अलग भक्ति चल रही है। मेरा ऐसा था कि मेरा मन था तो मैंने पहन लिया भाई। मैं दिया वगैरह जला के हनुमान चालीसा पढ़ के मैं घर आ चुका हूँ। अभी मैं पढ़ना तो उतार दूंगा, कुर्ता मैं पहन के रखूंगा। मैं सोच रहा हूँ पूरे दिन लग पग पहन के रखूँ। आंटी ने कि मुझे एक वीडियो बनानी है, उसके लिए उतारूंगा, अदरवाइज तो नहीं उतारूंगा। अब चलेंगे हम खाना खाएंगे। अब क्योंकि एक रील ब्रांड थी तो इसलिए मैं आया था अभी देवीला पार्क में, और मैंने यहाँ कपड़े चेंज किए। सिर्फ मैंने व्हाइट पहन के रखा है, लेकिन हाँ मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि यार पता है क्यों, मैं अभी थोड़ा चाहता हूँ एक्टिव रहना इंस्टाग्राम पे भी। काफी टाइम मैं पीछे इनएक्टिव रहा था, और अब मैं दोनों को थोड़ा मेंटेन करना चाहता हूँ। यूट्यूब के लिए भी कंटेंट इसलिए मेरा बड़ा जरूरी था। अभी रील हम लोग बनाएंगे उससे पहले कि धूप चली जाए। मिलता हूँ मैं आपसे रील बनने के बाद। देखो जिस टाइम पर आया था तब उस टाइम पे कहाँ था सूरज, और अब इस टाइम पे कहाँ पहुंच चुका है। कई बार ना जो चीज आपको चाहिए होती है ना एग्जैक्ट वैसा निकालने के लिए, कई बार तो बहुत टाइम लग जाता है, कई बार तो दिन लग जाते हैं, दो तीन चार दिन रेगुलर आने के बावजूद भी कई बार रील नहीं बनती है, और कई बार पहली बार में ही बन जाती है। मैं आया तो इसी मूड से था कि एक बार में बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। बहुत देर लगी है, और अभी मुझे लगता है कि कंफर्म पता नहीं जो मुझे चाहिए वो निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब तो सारा खेल एडिटिंग पे बचेगा, बस एडिट करके देखूंगा मैं कैसा जा रहा है, देखने में प्रेजेंटेबल लग रही है या नहीं लग रही है। अभी हम लोग घर चलेंगे, थोड़ी देर में जाएंगे, पहले बार मम्मी के पास जाऊंगा। मम्मी का फोन लेके आता हूं, मैं तो आपको सामान दिखाऊं क्या क्या लेके आया था। एक तो ये तो बेसिक है एडोब्स, फिर ये मम्मी का फोन मैं ले आया क्योंकि मेरे पास दूसरा फोन नहीं है ऑब्वियसली। तीसरी एक बड़ी अजीब चीज है, ये है ये जुराब। ये ना निकलते टाइम पड़ा था तो मैंने इसको उठा लिया, और ये क्यों उठाया, एक तो शूज गंदे होंगे तो साफ करने के लिए, और दूसरा पता है मैं इसको ऐसे यूज किया जहां बैठने लगता था ना, मुझे लगता था कपड़े गंदे हो जाएंगे, वहां मैं इसको रख देता पहले नीचे हल्का सा किस तरीके से एडजस्ट करके फिर बैठता था। ठीक है, दे यार एफर्ट तो लगते हैं, देखो सबके लगते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि मेरे अकेले के लगते हैं। दुनिया लगाती है एफर्ट, दुनिया बना रही है रील, हम स्टैंड आउट करेंगे। लेकिन चलते हैं, सामान हमने मोस्टली उठा लिया। मैं मेरे को बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल ना जाऊं। और सूरज भी पूरा चला गया, मन तो मेरा था अभी भी कि मैं थोड़ा और ट्राई कर लेता हूं कुछ, लेकिन नहीं अब यहां से दिख रहा है देखो, लेकिन नहीं अब नहीं होगा। अब चलते हैं पहले मम्मी के पास सामान देके, उसके बाद हम घर चलेंगे। कुर्ता मैं चेंज करूंगा, शाम को हम लोग फिर मंदिर जाएंगे, अंसल वाले मंदिर जाएंगे शाम को अन्नू के साथ। कोशिश करूंगा टाइम से जाने की। जय श्री राम। तो फिर ना क्या है, देख कलर कितना सुंदर आ रहा है। हाँ। अब ऐसा लग रहा है कि पहन लेना चाहिए। वैसे मंदिर में आ गए हम लोग, मंदिर के अंदर पूजा वगैरह भी हम लोगों ने कर ली। अब उसके बाद मेरे माइंड में यही आ रहा है ख्याल कि कुछ पहन लेना चाहिए, क्योंकि नहीं पहनूंगा ना मैं ऐसा लग रहा है तो बीमार पड़ जाऊंगा, मैं कन्फर्म बीमार पड़ जाऊंगा। हवा देख रहे हो कैसे चल रही है, ये देखो, और पता ठंडी वाली कैसी हवा चलती है। शायद भी हम लोग ऐसा करते हैं, घर पकड़ा देते हैं, ऊपर कुछ पहन लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। अंडर एनलेस। जय श्री राम। अभी चाहिए मुझे। मैंने ना ये उतार दिया क्योंकि कई बार हम लोग बाहर जाते हैं तो इधर इसलिए उतार दिया, मैं बता रहा हूँ तू निकल यहाँ से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप इधर उधर कुछ चीजों पे हाथ लग जाते हैं। अब मूर्तियों के दिनों में क्या होता है कि उस टाइम पर प्याज लहसुन वगैरह चीजों नहीं होती है, अवॉइड ही रखा जाता है खानों में भी। तो मैंने इसीलिए सोचा मैं चलो ठीक है, कुछ गलत ना लग जाए हाथ में, क्योंकि यू नो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसलिए मैंने इसको फिर उतार दिया। और मैंने जैकेट भी पहन ली क्योंकि पता क्या, मैंने ये सोचा हुआ था कि मंदिर जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं पहनूंगा, बेसिक जो चीजें हैं वही पहनूंगा। फिर मैं आ गया तो मैंने चेंज कर लिया, फिर मैं चलो ठीक है एटलीस्ट जैकेट तो पाऊँ यार, वरना बीमार पड़ दूंगा, बीमार पड़ दूंगा तो फिर क्या ही करूंगा मैं, कुछ वीडियो कुछ नहीं बनना। अभी थोड़ी देर हम लोग बाहर जाएंगे, फिर आके हम लोग खाना खाएंगे। अभी टोपी होने से काफी ठंडी लग रही है, हवा काफी तेज चल रही थी और हम लोग बाइक पे थे,
और अभी हम लोग आए थे स्टेशन पे पापा को लेने के लिए नन्नू के, वो संभाल खा पहुंच गए थोड़ी देर पहले, वो दिल्ली से आ रहे थे तो हम लोगों ने सोचा एक बार लेते हुए चलेंगे ध्यान से। तो अभी स्टेशन पे आया रात के कितने बजे, 10:10 पे अप्रोक्स। देखो आज मेरे को वो दिन याद आ गया जिसमें कुछ दिन पहले मौसी को लेने के लिए आया था, उस टाइम तो हम लोग काफी लेट आए थे स्टेशन पे, वो मेमोरी याद आ गई, अच्छा सा लग रहा है। बाकी स्टेशन हमेशा वाइब देता है, गुड वाइब्स ओनली। चप्पल अभी हम लोग नन्नू के घर के लिए सामान लेने गए थे क्योंकि अभी अंकल आए थे लेट, तो इसीलिए उनके घर पे खाना तो बना नहीं, तो हम लोग तब इसीलिए आए थे। तो बाकी अभी मैं घर पहुंचा हूँ, ठंड बहुत है भाई साहब, हाथ पूरे जाम हो गए गंदे वाले, खाना खाएंगे भूख लग गया बहुत तेज़।